अटेंशन पूरा ही ला सकता है। अब पता चला, डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स।
सॉरी बेटा सर, हमारी हाइट छोटी होती है और उनकी बड़ी। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सर हाइट छोटी है तो यहाँ पे वो लड़का लंबा है। चलो ओके, तो अगर हाइट आपकी छोटी है और सामने वाला लंबा है तो आपको यहाँ की जगह पे यहाँ से होल्ड करना समझे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कभी मिस नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं की है और वापिस मिस हो गया, देखो सर उसका हाइट बहुत लंबा है, और अगर मिस हो गया तो मिस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मिस होने के साथ उसके फेस से ये निकल गया सीरीज, जितनी भी बार बार उसकी आंख बंद हो जाती है। ओके, कौन लड़की है जो ट्राई करना चाहेगी, कम हल्का टच किया धोबी, उसको धीरे धीरे हो रही है तो मैं जोर से काट दूं तो मैंने पहले ही बोला था फाइट वही कर सकता है जो फाइट करना चाहता है। आपको एक चीज पता है, मेरे पूरे स्टाफ को पता है, जब मैं ऐसे बैठा होता हूँ ना कहीं पे, आई एम वेरी वेरी कूल, आई एम वेरी रिलैक्स, आई एम वेरी लाइवली, हंसता रहता हूँ, लेकिन इनको पता है कि सर खड़े हो गए ना, तो ये हर एक चीज को ड्यूटी से किया जाता है। क्या बोलते हैं, सेकेंड, हम सबको पता है फोर स्ट्रेंथ, यू नो व्हाट इज फोर स्ट्रेंथ, अक्सर आप लोग न्यूज तो देखते ही है ना, जोर जबरदस्ती करना। इसके अलावा आता है डेट रेपिंग, व्हाट इज डेट रेपिंग, कौन बता सकता है, से इवन टीचर्स के पार्ट से द फर्स्ट 40 मिनट्स विल बी वेरी इंटरेक्टिव। ओके, यस मैम, वेरी गुड, एक्सीलेंट मैम, हैज एक्सप्लेन वेरी नाइसली। ये जो डेट रेपिंग है वो क्या होता है, जनरली आजकल हम लोग बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं ना सबसे, बहुत जल्दी, वी आर एक कल्चर कि आज मेरी सिस्टर की बर्थडे पार्टी है तो मैं मेरे किसी फ्रेंड को भी बुला लूंगा, वो अपनी किसी फ्रेंड को बुला लेगी, वो उसके किसी ब्रदर को बुला लेगी, और फिर वहां पे फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है किसी लड़के और लड़की की, बाद में डायरेक्टली इन्वाइट कर दे एक दूसरे को पार्टी में। और जब आप ऐसे बहुत ज्यादा वेल नोन लोगों के साथ नहीं होते हो, वहां पे अगर आपके फूड या ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता है, और बाद में जब आप अपने होश में नहीं हो और आपके साथ कुछ गलत घटना है, गलती है, तो दैट इज